बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम कोरल ड्रा के टॉपिक नंबर 12 जिसके अंदर कलर मिक्सिंग समझाई गई है, इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए अच्छी तरह से कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अगर आपसे कहा जाए मिसाल के तौर पर कि आप किसी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करें, बनाएं और उसके अंदर बनाने के बाद कलर भरें, तो हम कलर्स के लिए भी यहाँ इस सॉफ्टवेयर को खासुल खास इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने जाके कहा भाई हम चाहते हैं कि व्यू मेन्यू से जो ग्रिड्स खोली थी आपने इनको बंद कर दें और जो गाइडलाइन थी उसको आप डिलीट कर दें और यहाँ अलग से एक न्यूट्रल किस्म का और एक खाली और सादा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें। अब देखें ऑब्जेक्ट में जो कलर आपने फिल किया कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से या और बनाने के बाद जैसे हम कोई भी कलर फिल करते हैं तो उसका अपना एक नाम होता है। बाकायदा जब हम किसी कलर पर जाते हैं तो उसका नाम लिखा हुआ आता है। पर्पल अलग कलर है, इसके अलावा मेजेंटा अलग कलर है, रेड अलग कलर है, येलो अलग कलर है, ग्रीन अलग कलर है। बहर जो भी कलर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो कलर इसके अंदर विजुअल भी होता है विजुअलाइजेशन के हवाले से, और हम उसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास बकायदा फिल में एक ऑप्शन दिया गया जो कि कलर मिक्सिंग का काम करता है। इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी यहाँ पर ये बात ध्यान नशीन रखें कि कलर्स जो है बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक कलर CMYK जो कि सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक से मिलकर बनता है, और एक कलर जो है वो RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनता है। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक ये वो कलर्स हैं जो कि प्रिंट मीडिया पर इस्तेमाल होते हैं, और रेड, ग्रीन, ब्लू ये वो कलर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यानी TV चैनल्स में, वेबसाइट्स पर और प्रोडक्शन हाउसेज में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए सियान कलर एक अलग कलर है, अगर हमें सियान चाहिए, मेजेंटा चाहिए, ब्लैक, अब जिस कलर पे भी क्लिक करते हैं ना तो ये हमें जो उस कलर की परसेंटेज दिखाता है वो उसे कंपोनेंट्स कहा जाता है। ये कोडिंग जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए कि आज आप काम कर रहे हैं कोरल ड्रा में, कल आप काम करेंगे फ्री हैंड में, परसों आप काम करेंगे इलस्ट्रेटर में, तो लाजमी सी बात है कि जिस सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे ना उस सॉफ्टवेयर का अपना एक नया एनवायरमेंट होता है जो पुराने सॉफ्टवेयर से कतई तौर पर मुख्तलिफ होता है। लेकिन सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू ये वो चीजें हैं जो कि हमें हर सॉफ्टवेयर के अंदर, यहां तक कि जब हम 3D Studio Max में जाएंगे तो हमें 3D Studio Max में भी ये ऑप्शन दिखाई देंगे। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि हम यहाँ कलर बना सकते हैं कोरल ड्रा में और उस कलर की कोडिंग के मुताबिक उसका डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे अगर आपने खुद एक कलर बनाया, हमने कहा भाई हम चाहते हैं इसमें जो है वो सियान हमारी मर्जी का हो, इसमें मेजेंटा जो है वो हमारी मर्जी का हो, इसमें येलो जितना हम चाहते हैं उतना देखिए इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी और कम से कम भी, ब्लैक को यहाँ की कलर कहते हैं, लेकिन की कलर अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा रहे हैं ब्लैकनेस या डार्कनेस। तो अब इन कलर्स को अगर हम यही कलर सेम एज इट इज अगर हम रेड, ग्रीन और ब्लू से बनाते तो वो हाथ के हाथ हमारी रहनुमाई कर रहा है और ये बता रहा है कि अगर आप इसको रेड, ग्रीन और ब्लू से बनाते तो इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कितना मिलाना पड़ता, इस चीज का भी डिस्प्ले स्क्रीन पर हो रहा है। अब चूंकि ये कलर जो हमने बनाया ये हमारी प्लेट पर पहले से मौजूद नहीं था, लिहाजा देखें अननेम कलर एक तरह अननोन कलर शो कर रहा है। हाँ अगर आप कोई नाम रखें इसका, जैसे हमने कभी हम चाहते हैं कि माई कलर, देखिए हमने इसका नाम रखा और जाके हम अगर चाहें तो कोई भी कलर का नाम रखे आप उस नाम से कलर को ऐड करवाना चाहें तो ऐड, देखें इसे कोई नया जो है वो आपने कलर लिया देखिए यहाँ से और उसे अगर लिस्ट में लाना चाहें तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टू प्लेट के नाम से, जिसके बाद आने वाला वो नया कलर हमारी कलर प्लेट के अंदर शामिल हो जाता है और अब हम उसको कमर्शियल यूज में लाना चाहें तो ला सकते हैं। इसके अलावा उसने हमें मिक्सर का ऑप्शन दिया, नोट कीजिएगा गौर से, ये जहाँ से हम बाकायदा कलर मिक्सिंग का काम करते हैं। अब जैसे 5 CMYK के लेकिन 5 कलर आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि कौन सा कलर चाहिए आपको, फिर उन पांचों कलर के सैंपल्स के साथ साथ वो कलर अगर लाइट हो जाए तो ये वेरिएशन लगा हुआ है इसके ऊपर लाइटर के नाम से, आप जाएं और जाके उसको बोलेंगे हमें डार्कर चाहिए तो देखिए वो नोट कीजिएगा ग्रीन कलर जो है उसको लाइट से लाइट नहीं बल्कि डार्क से डार्क कर रहा है, और एक वक्त आएगा ग्रीन जो है वो इनफ डार्क हो गया, ये जो डार्कनेस है लाइटनेस है इसका भी देखिए इस्तेमाल आपने इसको भी प्लेट पे ऐड करवा लिया। तो इस तरह देखिए प्लेट पे आपने पहले एक कलर बना के ऐड किया फिर दूसरा कलर ऐड किया, जो कलर भी आप बना रहे हैं साथ के साथ देखिए ये जो साइज दिखा रहा है नहीं कितने स्टेप्स के अंदर वो डार्कनेस दिखाए, 4 स्टेप भी हो सकते हैं और 20 स्टेप भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोरल कंपनी ने हमारी सहूलत के लिए बहुत सारे कलर जो है उनको बनाकर उनकी अलग अलग प्लेट्स बनाई और वो प्लेट जो है वो हमारे हवाले कर दी, इससे हम कलर प्लेट्स कहते हैं। इसमें वेब कलर्स भी हैं, पैंटोन रजिस्टर्ड कलर्स भी हैं, जब आप कोरल ड्रा खोलते हैं तो वो टाइटल पे भी दिखाता है कि मैंने कोडेक कंपनी से और दीगर कंपनी से कलर परचेज किए हैं, लिहाजा वो कलर स्क्रीन में दिखाई देते हैं।
अब देखिए नोट करें गौर से, अगर हम चाहें तो लाखों लाख कलर यहाँ मौजूद हैं जिनके आप किसी भी कलर पे क्लिक करके उस कलर को अगर इस्तेमाल करना चाहें, इस्तेमाल में लाना चाहें, तो आप बआसानी ला सकते हैं। तो ये तरीका है कलर मिक्सिंग का या कलर्स पे काम करने का, जो कि फिल टूल में दिया हुआ है, कलर मिक्सिंग के नाम से, कलर के नाम से, फिल कलर के नाम से। इस पर क्लिक शिफ्ट F11 दबाकर आप अगर चाहें तो कलर की विंडो खोल सकते हैं, जहां से आप सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक और RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू पे काम कर सकते हैं। किसी कलर को अगर हम डिम करना चाहते हैं उसे टिंट्स कहते हैं। अगले सॉफ्टवेयर में भी आप पढ़ेंगे टिंट्स के नाम से ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है, लेकिन लाइट से लाइट होता होता एक दिन ऐसा आया या एक वक्त ऐसा आया कि वो कम होते होते वाइट ही हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसको इस तरह समझ लें कि दुनिया का कोई भी कलर हो वो स्टार्ट वाइट से ही होता है, और दुनिया का कोई भी कलर हो डार्कनेस डार्कनेस और डार्कनेस के बाद उसका जो एंड होता है ना वो ब्लैक पर ही होता है। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना इसे हम आमतौर पर डिफॉल्ट कलर के नाम से इस्तेमाल करते हैं। किस नाम से इस्तेमाल करते हैं? डिफॉल्ट कलर के नाम से। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें और मजीद से मजीद कलर्स बनाएं, प्लेट पर ऐड करवाएं, मजीद बुनियादी कलर्स को इस्तेमाल करें, प्लेट से बना के लाएं या कलर प्रीसेट से बना के लाएं। इस तरह हम कलर्स को इस्तेमाल करना चाहें तो कोरल ड्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं।